दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट को भर्सना रोगी करा पशुठ भी हीन व्यवहार मेडिकल स्थिति अत्यंत खराब गृह मंत्रालय गाइडलाइन को करा पालन दिन दिन धरी मेडिकल रे लॉबी और शव गृह पड़ रही मृतकों शव एमतीक अलिया गदार मिलूँ मृतकों शव रोगी और मृतकों गोटे जगार रखा जार दृश्य अति भयंकर और चिंताजनक मृत्यु पर परिजन को दि जाऊना मृत्युर सूचना स्थिति एमती जे मृतकों पर सदस्य से अंतिम संस्कार सामिल हो पारे एने सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली सरकार को कड़ा टिप्पणी करने जवाब तलब कर टेस्टिंग कम और बेड संख्या खाली नहीं दिल्ली सरकार को भर्सना कर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है दिल्ली सरकार के ऊपर प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा है उन्होंने कहा है जब एक तरह से रफ्तार के साथ कोविड आगे बढ़ रहा है इस परिस्थिति में टेस्टिंग को कम करने की आवश्यकता क्या थी बाकी राज्यों में और बाकी शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है 15,000 से 17,000 टेस्टिंग किए जा रहे हैं किंतु दिल्ली में आज क्या कारण है कि 5,000 या उससे भी कम टेस्टिंग की जा रही है इन सारे प्रश्नों का जवाब दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है आज दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं ऐसे में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं अरविंद केजरीवाल जी हम राजनीति नहीं चाहते हैं किंतु जिस प्रकार की राजनीतिक हथकंडों को आपने कुछ दिनों में इस्तेमाल किया है हमें लगता है इन हथकंडों को आपको बंद करना चाहिए सबड़े दिल्ली रे कोरोना रे केते जनकर मृत्यु होइछे ताकु नै विवाद देखा दैछे केजरीवाल सरकार मृतकों संख्या लुचाउथिबा अभियोग होइछे दिल्ली सरकार देइथिबा तथ्य रे तालमेल नाही दिल्ली नगर निगम तथ्य अनुसार दिल्ली रे गत बुधवार सुधा 2098 जन मृतकों अंतिम संस्कार करा जाइछे हेले केजरीवाल सरकार को तथ्य अनुसार मात्र 984 जनकर मृत्यु होइछे दिल्ली नगर निगम और सरकारी तथ्य मध्ये रहुछि आकाश पातला फरक जहाँ विवाद देखा दी कोविड नियंत्रण में दिल्ली सरकार पूरापूरी फेल मारी तथ्य लुचाऊ अभियोग देखिए दिल्ली सरकार ने 16 मई को तीनों निगमों को एक नोटिस जारी किया था और वो नोटिस था कि दिल्ली के अंदर जो मौत का आंकड़ा वो मिसमैच कर रहा है नगर निगम उस समय कुछ कह रही थी और दिल्ली सरकार कुछ कह रही थी तो उन्होंने जब हमारे को नोटिस दिया तो 17 तारीख को हमने उसका जवाब दिया उन्होंने कहा कि आप मौत के आंकड़ों को वेरीफाई करके दो तो हमारे तीनों नगर निगम के जो MHO हैं उन्होंने सभी DHO से बात करके जहां जहां जितनी मौत हुई उन सब आंकड़ों को इकट्ठा किया उसको कंपाइल किया और एक रिपोर्ट भेजी उसमें भी 230 से ज़्यादा पॉजिटिव केस थे और लगभग 100 के करीब संदिग्ध केस थे तो जब उनके आंकड़े में और हमारे आंकड़े में डबल का फर्क था वो आंकड़ा मई से लेकर के जून हो गया है वो आंकड़ा डबल ही है दिल्ली सरकार पता नहीं क्यों नहीं सचेत में आ रही है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली समेत पश्चिमबंग महाराष्ट्र और तमिलनाडु को नोटिस जारी करिछन्ते एही समस्त राज्य रे कोरोना नियंत्रण किभली चालीछि सेने स्टेटस रिपोर्ट देबा पई सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देइछन्ते ब्यूरो रिपोर्ट द ऑर्गस्ट 14